नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। CFM न्यूज चैनल, CFM न्यूज चैनल की ये परंपरा रही कि हमेशा ये नए उभरने वाले लोगों को आपसे रूबरू कराइए। आज हमारी टीम रेल पार में है और रेल पार का जब नाम आता है तो कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग सलाहतमंद है। आज ऐसे ही एक नौजवान से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो बहुत ही कम वक्त में बहुत जल्द पॉलिटिक्स में एक अपना मुकाम बना लिया। उनका नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। इनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। वो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ राजीव गांधी नेशनल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, ये दो बड़ी तंजीम है और इस तंजीम में ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। ना सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि इस अपनी तंजीम के माध्यम से ये लोगों की जो मसाइल है, जो योमिया मजदूर है, उनके मसाइल को भी हल कर रहे हैं। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो मुस्तकबिल में रेल पार्क को कहाँ देखना चाहते हैं और फ्यूचर में पॉलिटिक्स को लेकर उनका क्या इरादा है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपका क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम है मोहम्मद तनवीर आलम। वो अच्छा, आपने प्राइमरी की तालीम कहाँ से की? प्राइमरी की तरह मैंने अपने एक घर के बगल ही में एक लोकल स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल। अच्छा। जी, मैंने वहीं से क्लास 8 पास किया था। और क्लास 10 कहाँ से किया? और क्लास 10 हमारे ही रेल पार में जांगरी माला में रहमानिया हाई स्कूल है, जहाँ से मैंने क्लास 10 पास किया। पॉलिटिक्स कब ज्वाइन किया? पॉलिटिक्स किया मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन किया 98-99 में BSK कॉलेज से। मैंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया था, उसके बाद ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उस वक्त से जुड़े हुए थे। उसके बाद मैंने MA किया, हिस्ट्री में ही MA किया था। आपका तो उम्र इतना कम है और इस कम उम्र में आप दो बड़े पोस्ट में आ गए हो, अच्छे अच्छे पोस्ट ले चुके हैं। ये जो पोस्ट से आप जुड़े हुए हैं वो तंजीम क्या है, क्या काम करते हो? एक तो सबसे पहले तो मुझे चुना गया राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन में, तो वहाँ से मुझे एक स्पीच दिया जाता है, कुछ लम्हों के लिए आपको ये स्पीच देना। मैंने स्पीच दिया, सेलेक्ट हो गया और मुझे सर्टिफिकेट दे गया और मेरे को मैसेज आ गया कि आप जो है राष्ट्रीय अंसारी एकता के प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल चुन लिए गए। और उसके कुछ ही दिन बाद में फिर मेरे को एक मैसेज आया कि सर आप हमें इस टॉपिक पे स्पीच भेजें तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल कांग्रेस के लिए। तो उसमें दो चार और उम्मीदवार हैं, तो सभी का मतलब ख्याल ये हुआ कि नहीं, मेरे स्पीच देखने के बाद में कि नहीं, ये बहुत ही, अगर इनको इन फ्यूचर में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे जज्बात को उन लोगों ने मतलब समझा और मेरी हौसला अफजाई की। आप सोशल काम कब से करना चाह रहे हो? क्या लगता है कि सोशल काम करना चाहिए समाज में? मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सोशल काम कर रहा हूँ। अभी जैसे COVID-19 जो कोरोना है, तो जहाँ तक बन पड़ा खुद मैं, मेरे जो करीबी हैं सब ने मिलजुल करके जो एक काफ़ी ज़रूरतमंद थे उनके घर घर तक पहुँचाया जो भी हमसे बन पड़ा, लेकिन बिना किसी एड फोटोग्राफी और बिना किसी वीडियोग्राफी के। हम किसी गरीब की मदद करके खामोशी से हमने नेक काम किया। पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छे लोग बहुत कम आ रहे हैं, आपको क्या दिखाई दिया जो आप पॉलिटिक्स में आ गए? ऐसा बात नहीं, अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर जो जिनका थोड़ा सा करेक्टर थोड़ा सा अगर ख़राब भी है तो उनको कैसे सबक मिलेगा कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं तो मेरा सोच ऐसा है। और मेरे करीब के एक लोग आए हैं जिनका सोच ख्यालात अच्छा है। हम पॉलिटिक्स में सिर्फ अपने आवाम, अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट का भलाई के लिए आए हैं। रेल पार का हम लोग जिक्र करें और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक नाम उभर के आती है SM जलाल साहब का, जो पूरे हिंदुस्तान में रेल पार की नुमाइंदगी की है, कांग्रेस के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन उनके बाद रेल पार में अब तक कोई अच्छा नेता पैदा नहीं हो पाया। जी हाँ, उनका बहुत 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 कांग्रेस का योगदान है। आज इतने उम्र के बाद में मैंने अच्छे अच्छे को देखा है पॉलिटिक्स में, जरा सा वो करवट बदलने वाला मामला होता है कि आज इनके साथ है, कल हालात बदला तो निकल गए, लेकिन आज जलाल साहब वाहिद ऐसा नेता है जो जिन्होंने अगर एक झंडा पकड़ा था कांग्रेस का तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी और आज भी कांग्रेस का झंडा थाम के हैं। नहीं, आज वो TMC में, कांग्रेस में नहीं है। उसके बाद TMC में इस मामले में वो अच्छा पॉलिटिशियन है। अच्छा पॉलिटिशियन है और पार्टी कोई भी हो, पार्टी बिलोंग्स नहीं करता, बिलोंग्स करता है कि पार्टी में काम करने वाले इंसान कैसे हैं। वो जैसे मेरे अंदर जज्बा है, ये कोई माने नहीं रखता कि मैं किस पार्टी से बिलोंग्स करता हूँ। मेरे लिए माने ये रखता है कि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ अपने तरफ से। बस मेरी ख्वाहिश यही है कि लोग मुझे सपोर्ट करें, जहाँ तक हो सकेगा, जिस वक्त जिस हाल में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा मैं हर वक्त हाजिर हूँ, लोगों की खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। रेल पार में आपको अब तक क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है, यहाँ क्या मसाइल है? बस एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, आसनसोल में रेल पार में बहुत ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है
और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, और सभी क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले भी हैं, तो हमारे यहाँ के ADM भी हैं, डब्ल्यू बिजनेस ऑफिसर भी हैं, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन यहाँ के नुमाइंदे अभी तक आवाम के भलाई के लिए इनका थिंकिंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जो आवाम को चाहिए। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब आसनसोल फेयर होता है उसकी वो होता है कन्यापुर हाउसिंग के पास में, कौन सा फेयर, वो फेयर या नहीं, फेयर वो आसनसोल उत्सव, सॉरी आसनसोल उत्सव होता है, वहाँ पे सारे तरह के प्रोग्राम होता है, लेकिन आज तक कभी भी एक उर्दू का प्रोग्राम वहाँ पे नहीं हुआ है। उसके एवज में क्या होता है, बाबू तलाब में जगह दे दिया जाता है कि आप यहाँ पे कव्वाली करवा लीजिए और ये आपका प्रोग्राम हो गया। आप बताएं, इसके बनिस्बत बर्नपुर में जब वही बर्नपुर उत्सव होता है तो वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि आप किसको चाहते हैं, मुस्लिम से, उन्होंने डिमांड किया कि आप यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाएं, तो वहाँ पे बुलाया गया, ये सभी ने देखा। तो फिर रेल पार वालों के साथ ये सलूक क्यों, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में रेल पार वालों का आता है? देखिए, पॉलिटिक्स कोई भी कर रहे हैं, जो भी हैं हमारे MLA हैं या कोई भी है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, थिंकिंग के खिलाफ हूँ कि आपको जब हमने वोट दिया, मेरे घर वाले इलाके वाले ने वोट दिया, आपका फ़र्ज बनता है उनके हर एक मामले पे आप नज़र रखें, कम से कम आके मिले तो सही, आवाम से पूछे तो सही कि आपका मसला क्या है, आप चाहते क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ़ क्या है। अगर जरे सी नाली में अगर डस्ट पाउडर नहीं है, अगर उससे कहते, काउंसलर कहती है कि फलां से कंप्लेन करें, वो कहते हैं उनसे कमें, आप बताइए एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी किस किस के पीछे भागेगा। मैंने उनका मसला को हल करके मुद्दा को उलझाया जाता है, मुद्दा को उलझाया जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ कि पॉलिटिक्स में आप किससे इंस्पायर हो, किन को देख के पॉलिटिक्स आपको लगता करना चाहिए? करना चाहिए, मैंने तो अपने मोहल्ले से जलाल साहब से देखा हूँ, अच्छे इंसान है वो, उनसे सीखे हैं, और ये सबूत है उनका अच्छे इंसान का कि इतने जमाना तक पार्टी करने के बाद भी आज उनके हालात को देखिए आप, उन्हीं से आपको समझ में आएगा। और भी छोटे मोटे जो उनके बारे कहा जाता है, बहुत खुददार आदमी, बहुत खुददार आदमी है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुददार आदमी है। और फिर किसको देखिए आप पॉलिटिक्स में? और यंगेस्ट में राहुल गांधी जी हैं। अच्छा, उनसे इंस्पायर हो? बहुत इंस्पायर हुए हम, और मेरे अंदर जज्बा था कि हमको कुछ करना है, वक्त का इंतजार था, अब मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, अब अगर हम नहीं आगे आएंगे या किसी एक को तो आगे आना ही होगा। हाँ आज हाँ आज अगर पूरे हिंदुस्तान में 28 स्टेट है, अगर आप CM देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ममता बनर्जी, हमारे यहाँ की दीदी, उसके बाद में सेकंड में आप आइए हेमंत सोरेन, थर्ड में आइए आप उदय ठाकरे, सबसे ज़्यादा एक्सपायर में हुआ अभी इन दिनों में हेमंत सोरेन जी से। आवाम को जैसा CM चाहिए 100% CM है वो। अच्छा, पॉलिटिक्स में भाग भी गया हो, तुम्हारी शनाख्त भी हो गई है, आप पोस्ट भी ले लिया हो, इसके बाद क्या है तनवीर, इसके बाद क्या करना चाहता है? तनवीर बस ये चाहता है कि अगर हमारे इलाके के लोग सपोर्ट करेंगे और आगे से आगे जाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे हम। आज आप एक चीज़ मान के चलो, मैं रेल पार वाले से कह रहा हूँ, जितने भी मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सभी से, हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, कल आपको मेरे ही दुकान में आना, मुझे आपके ही दुकान में जाना है, तो क्यों ना हम आपस में मिल करके एक अपने इलाके का एक कैंडिडेट को खड़ा करें और अपने इलाके का कैंडिडेट को आगे जिता के बनाए कि हाँ कल अगर कुछ भी होगा तो हम इनके घर जाके कह सकते हैं। आज क्यों हम मजबूर रहेंगे? और जो अदर हैं जिनको हम वोट देके जिताते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ एकदम 100% थिंकिंग है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, वोट तो हम ही को ही देंगे, बस हमारा फ़ायदा उठाया जाता है और उठा ही रहे हैं। मैंने वो वक्त आ गया कि अपने लोगों को मौका दिया जाए, हर वार्ड में जितने भी लोग हैं अपने लोगों को, अच्छे नुमाइंदे को, पार्टी किसी से भी हो, मैं बार बार एक ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी बिलोंग्स नहीं करता है, इंसान बिलोंग्स करता है, उसका करेक्टर बिलोंग्स करता है। आप वोट दें, कैंडिडेट देख के दें, आप पार्टी मत देखिए कौन सी पार्टी का है, आप ये देखिए कि कैंडिडेट कौन है। अच्छा, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा चरण चल रहा है, लोग थक भी गए हैं और इसी दरमियान रोजा भी है और कुछ ही दिनों के बाद अब ईद भी आने वाली है। जी बिल्कुल। इस मौके पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपने रमजान में रोज़ा रखा, मार्केटिंग करें आप, मार्केट कुछ मार्केट खुल भी गई है, लेकिन आप सोशल डिस्टेंस को बना के रखें। बच्चों को बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है मेरा कि बच्चों को लेके मार्केट ना जाएं, और अगर गए भी बच्चों को लेके ना जाएं, और सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजिंग करें, मास्क आप यूज करके जाएं, जैसा कि पुलिस ने भी कहा है, आप अपने सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के सेफ्टी के लिए मार्केटिंग करें, लेकिन बी केयरफुल, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के,
इसको जरूर आप सब पालन करें। अच्छा, अब आने वाले दिनों में ईद उल फितर पे हम लोग दाखिल हो जाएंगे यकीनन, देखते इस बार क्या है, नमाज पढ़ पाएंगे या ना, या फिर सुबहाना का नमाज होगा, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन ऐसे माहौल में आप क्या कहोगे कि आप एज ए बीइंग मुसलमान आप थे लेकिन आप मस्जिद नहीं जा पाए, कैसा लगा आपको? तकलीफ तो बहुत हुई लगता है कि अपने अमाल का नतीजा हम लोग गुनाह। हाँ हाँ, ये तो 100% है, ये तो 100% है कि आज जो ये हो रहा है ये किसी और की नहीं, हमारी ही गलती है, हमने अपने रब को बहुत पीछे छोड़ दिया, जो उनके अहकाम थे उनसे हमने बहुत मुंह मोड़ लिया। आज अगर देखिए, इस्लाम दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है, यकीन और नियत, और हम दो इन दिनों हमारे अंदर से अल्लाह के ज़ात पे यकीन ख़त्म हो गया, नियत हमारी साफ़ नहीं है, जिसका नतीजा हम दुनिया वालों और दूसरे किसी से शिकायत नहीं करेंगे। आज जो ये हो रही, एक अल्लाह का घर नमाज के लिए हमको अल्लाह ने महरूम कर दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अजाब है अल्लाह का। सर, चलते चलते आखिर क्वेश्चन ये कि आपके शेड्यूल बिजी थे, फिर भी आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आखिर में जो ईद उल फितर आने वाली है उसके लिए क्या मैसेज है आपका लोगों से? बस ये करना, जितने भी देखिए बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अपने अपने घर में तो रहेंगे, लेकिन मर्दों से खास करके ये गुजारिश है हमारी कि ज़्यादा अपने मोहल्ले में लोगों से मिलना जुलना, भीड़ ना लगाएं प्लीज़। वैसे भी लॉकडाउन है और कोरोना वायरस जो है टचिंग से ही ज़्यादा ये होता है, तो लोगों से दूरी बनाए रखें, आप दूरी से सलाम कर सकते हैं, नमाज तो अपने अपने घर में पढ़ना ही है, मोहल्ले में ज़्यादा आप भीड़ ना लगाएं, अपने अपने घरों में रहें। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक, दिल से मुबारक, और एक ख़ास रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ईद के दिन आप जो मोहल्ले वाइज सभी बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं लोगों से, इस पर ख़ास ख्याल रखें आप। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, भैया ईद का दिन है, खुशियों का त्यौहार है, ये बहुत बड़ा मौका। चलिए आपको एक बात बता दें कि आज ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है कि अपने फैमिली के साथ वक्त दे पा रहे हैं, तो ईद के दिन भी अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएं, उनके खुशियों में शामिल हो, बच्चों के साथ ईद मनाएं ना घर में, रोड पे आप भी ना लगाएं प्लीज़। जितने भी मीडिया वाले हैं सभी के नज़र रहेंगे मुस्लिम इलाके में, और आपका जो है कैचिंग फोटोग्राफी किया जाएगा, देखा जाएगा, देखिए लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे वगैरह, तो प्लीज़ ये हमारी गुजारिश है आप सभी से, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के मेरी इन बातों पर अमल कीजिए प्लीज़। आप अपने अपने घरों में रहें, ईद की खुशियाँ घरों में मनाएं, बीवी बच्चों के साथ मनाएं, अपने मम्मी पापा के साथ मनाएं, रोड पे बिल्कुल ना रहें, दूसरों को मौका ना दें अपने मज़हब का, अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए मजाक उड़ाने का। हम आप ही का घर का हूँ, बस दुआओं में याद रखिएगा।